हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 में से सम नंबर 7 एंड 8। तो यहाँ पर सम नंबर 7 की स्टेटमेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, -9। तो यहाँ पर बात की गई है एक ऐसे पॉइंट के बारे में जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। अब मैं आपको बता दूं कि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई करता है उसके अंदर वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि अगर हम जनरल कोई पॉइंट लिखते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर तो वो इस फॉर्म का होगा x, 0। और यहाँ पर ये कहा गया है कि जो पॉइंट हमें एक्स एक्सिस पर कंसिडर करना है ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि सेम डिस्टेंस पर है। तो अब हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के अंदर y के कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी कि बस हमें केवल इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस पॉइंट को नाम देंगे a और इस पॉइंट को हम नाम देंगे b। उसके बाद उस x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट हमें कंसिडर करना है वो हम खुद से लेट करके चलेंगे कि लेट द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज p, दैट इज़ x, 0। तो हमने उस पॉइंट को x, 0 लेट कर लिया है और उस पॉइंट को हमने नाम दिया है p। तो जैसे कि स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो x एक्सिस का जो पॉइंट है वो पॉइंट a और पॉइंट b से इक्विडिस्टेंट है, यानी कि अगर p की डिस्टेंस a से मेज़र की जाए और p की डिस्टेंस b से मेज़र की जाए तो वो दोनों डिस्टेंस सेम होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि pa इक्वल्स टू pb। अब PA और PB इन दोनों को फाइंड करने के लिए, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, जो होता है x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर रूट। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम करेंगे PA एंड PB को फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले PA के लिए, तो ये है हमारे पास पॉइंट P और ये है हमारे पास पॉइंट A। तो हम सबसे पहले x में से 2 को माइनस करेंगे, तो x - 2 का स्क्वायर। उसके बाद हम 0 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम 0 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर 5 के आगे दो बार नेगेटिव का साइन है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे 0 + 5 का स्क्वायर। एंड इसी तरह से पी बी के लिए, तो ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट बी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x - -2, यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं कि x + 2 का स्क्वायर। एंड देन हम 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 - 9 का स्क्वायर। तो अब आप ये देख सकते हो कि इस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट है और राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर रूट है। तो हम यहाँ पर रूट से रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि जब हम इस साइड स्क्वायर करेंगे और जब हम इस साइड स्क्वायर करेंगे तो भी स्क्वायर से वो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पर बचेगा x - 2 का स्क्वायर + 0 + 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। इसी तरह से राइट हैंड साइड में x + 2 का स्क्वायर एंड देन 0 - 9 यानी कि -9 का स्क्वायर। फिर जब हम इनके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो यहाँ पर x - 2 स्क्वायर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर का, जो कि होता है a² - 2ab + b²। तो यानी कि a² तो हमें इस x का स्क्वायर करना है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। देन -2ab यानी कि -2 × x × 2, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा -4x। उसके बाद b² यानी कि 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x - 2 का होल स्क्वायर ओपन करके लिख दिया है x² - 4x + 4। इसके बाद 5 का स्क्वायर यानी कि 25 एंड देन राइट हैंड साइड में x + 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यानी कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है a² + 2ab + b² के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने x + 2 होल स्क्वायर को लिख दिया है कि x² + 4x + 4 एंड देन -9 का स्क्वायर। तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, तो इसलिए -9 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया है +81। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में ये x² एज इट इज़ हमने लिख दिया है
माइनस फोर एक्स को भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है, एंड 4 प्लस 25 ये दोनों ही कॉन्स्टेंट नंबर हैं, तो इसलिए इनको ऐड करके हमने लिख दिया है 29। इसी तरह से राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर को एंड 4x को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, और उसके बाद 4 एंड 81 को ऐड करके हमने लिख दिया है यहाँ पर 85। इसके बाद हम x की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये यहाँ पर दोनों इनको एज इट इज़ हमने लिख दिया है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में, और ये 4x भी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में। और उसके बाद राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा पहले तो इस 85 को, और उसके बाद ये 29 राइट हैंड साइड में आकर ये हो जाएगा माइनस में। देन एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद माइनस 4x एंड माइनस 4x तो ये आ जाएगा माइनस 8x। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 85 माइनस 29 यानी कि 56। तो अब x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस माइनस 8 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवाइड में, और 56 को जब 8 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 7 पर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है इसलिए हम लिख देंगे कि x इक्वल्स टू माइनस 7। तो जो हमने x एक्सिस पर पॉइंट कंसिडर किया था वो पॉइंट हमने मानकर हम उसको मानकर चले थे एक्स कोमा जीरो, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 7 है, तो यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि x एक्सिस पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस 7, 0, जो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्विडिस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं हैंस द पॉइंट ऑन द x एक्सिस इज माइनस 7, 0। इसके बाद सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3 एंड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, y, यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल का यूज़ किया गया है ये y, और इस y की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया है कि पॉइंट P एंड पॉइंट Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। तो सबसे पहले हम पॉइंट P को लिखेंगे, उसके बाद हम पॉइंट Q को लिखेंगे, और जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि पॉइंट P एंड Q के बीच की डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, यानी कि PQ इक्वल्स टू 10। और उसके बाद PQ को फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं, तो इसलिए सबसे पहले 10-2 का स्क्वायर, देन y माइनस -3। तो जब y में से हम -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, और राइट हैंड साइड में हमने लिखा हुआ है 10 को। ये हमें स्टेटमेंट में ही कहा गया था कि P एंड Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। इसके बाद हम इस रूट को राइट हैंड साइड में ले जा सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा 10-2 यानी कि 8 का स्क्वेयर एंड y प्लस 3 का होल स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड में है हमारे पास 10 का स्क्वेयर। इसके बाद 8 का स्क्वेयर 64 एंड y प्लस 3 का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर हम a प्लस बी होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको ओपन कर सकते हैं कि y स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9 एंड राइट हैंड साइड में जो 10 का स्क्वेयर है ये आ जाएगा 100। अब इसके बाद ये y स्क्वेयर एंड 6y एज इट इज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है, देन 64 प्लस 9 यानी कि 73, और इस 100 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में आकर ये हो जाएगा नेगेटिव, और राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ बचेगा 0। इसके बाद y स्क्वायर प्लस 6y ये एज इट इज़, और ये जो दोनों कॉन्स्टेंट नंबर हैं 73 माइनस 100 इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं माइनस 27। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें कोई दो नंबर ऐसे कंसिडर करने होंगे जिनको अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो ये मिडिल टर्म यानी कि 6 आ जाए, और अगर उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट -27 के इक्वल आ जाए, तो वो दोनों नंबर होंगे 9 एंड 3।
अगर आप 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो 9 3 जा 27, और अगर आप 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 9 माइनस 3 तो ये हो जाएगा 6। इसलिए हमने यहाँ पर इस मिडिल टर्म की जगह पर यानी कि 6y की जगह पर लिख दिया है 9y माइनस 3y, बिकॉज 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 6। इसके बाद यहाँ पर जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं हम इनका एक पेयर बनाएंगे और यहाँ से हमने y को कॉमन ले लिया है। y कॉमन लेने के बाद यहाँ पर टर्म्स बचेंगी y प्लस 9। इसी तरह से जो लास्ट की टू टर्म्स हैं उनका भी हम एक पेयर बनाएंगे और वहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस 3 को, और माइनस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स बचेंगी y प्लस 9, और यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 0। इसके बाद इस y प्लस 9 को हम कॉमन लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इस तरह से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी y माइनस 3, जिनको हम दूसरे ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो जब y प्लस 9 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9, और जब y माइनस 3 को हम 0 के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस सम में हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही कहा गया था, तो दो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है, माइनस 9 एंड माइनस 3। तो इस तरह से सम का आंसर है कि y इक्वल्स टू माइनस 9 एंड 3। तो ये थे एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर 7 एंड 8। अब इसी एक्सरसाइज के बाकी सम्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।